यूपी के सिद्धार्थनगर में अपराधों की रोकथाम में जहां पुलिस एक और ऑपरेशन त्रिनेत्र को लेकर लोगों में जागरूकता ला रही है, वहीं बीती रात जनपद के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 18 के बुद्ध विहार नगर इलाके में हुई चोरी की घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है। बीती रात हुई इस अनोखी चोरी ने लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस चोरी में चोरों ने लाखों के जेवरात और कैश उड़ाए, साथ ही सीसीटीवी कैमरे से लैस इस घर से डीबीआर यानी कंप्यूटर से हार्ड डिस्क को भी उड़ा लिया। मामला सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 बुद्ध नगर के निवासी मोहम्मद फैजल सिद्दीकी, जो बुधवार को इलाज के लिए लखनऊ गए थे, जहां बीती रात चोरों ने घर का ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। जी, मेरा नाम नूरुल हसन है, मैं बढ़नी का रहने वाला हूँ। और ये जो वारदात हुआ है, मकान हमारे बहनोई साहब का है, मोहम्मद फैसल सिद्दीकी नाम है। वो इलाज के लिए लखनऊ गए हुए हैं, बुधवार को यहाँ से निकले हैं शाम को 4:30 बजे लगभग। और यहाँ पे जो काम करती है उसके पास मेन गेट का चाबी रहता है। वो सुबह आई थी सिंचाई के लिए, तो उसने देखा कि घर के अंदर जाने वाला मुख्य द्वार जो है उसका ताला टूटा हुआ है। तो उसने पड़ोसियों को इत्तला दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे जो रिश्तेदार और पड़ोसी रहते हैं वो लोग आए और पुलिस वालों को इन्फॉर्म किए। वो लोग आए यहाँ पे, घर के अंदर गए तो देखे घर का सारा दरवाज़ा, दरवाजे के जितने ताले थे सब टूटे हुए थे, सारा दरवाज़ा खुला हुआ था। हाँ, जनपद सिद्धार्थ नगर के सदर थाने के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है कि मोहम्मद फैसल, जो बुद्ध नगर के वार्ड नंबर 18 के निवासी हैं, उनके यहाँ चोरी की हुई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और फोरेंसिक टीम और एसओजी की टीम पहुंची घटनास्थल पे और आवश्यक तथ्यों को इकट्ठा कर रही है। और अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर जो मकान मालिक है वो लखनऊ गए हुए थे इलाज के लिए, और 20/21 की रात ये घटना घट देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।